हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC और हम यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर और ग्राफर भी हैं ग्राफियन एकेडमी पे। आज हम दोस्त बात करने वाले हैं एक्चुअली में अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग के बारे में। एंड एक्चुअली क्रॉस सेलिंग में भी हम बात करने वाले हैं कि आप नॉर्मल आर्टिकल्स के साथ साथ अपनी SEO सर्विसेज भी कैसे दे सकते हैं। उसके लिए थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग क्या होता है। अपसेलिंग का मतलब होता है कि आपके क्लाइंट अगर आपसे कुछ परचेस कर रहे हैं तो उनको कुछ हायर वैल्यू प्रोडक्ट की तरफ आपको लेके जाना। सपोज मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि सर मुझे विक्ट्री लैब के लिए कॉफी मग चाहिए, तो आपने मुझे बताया ठीक है सर ये मीडियोकर क्वालिटी का है, नॉमिनल क्वालिटी है, ठीक ठाक क्वालिटी है, 500 रुपीज़ आपको पड़ेगा। देन आपने मेरे से पूछा मेरे इंटरेस्ट क्या है, मुझे आपने और जाना मुझे, आपको पता चला कि मैं क्वालिटी में थोड़ा और भरोसा रखता हूँ, तो आपने मुझे क्या बोला सर हमारे पास एक हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट और है जो एक्चुअली में आपको 800 रुपीज़ का पड़ेगा, एंड डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट क्योंकि आपको पता है कि मुझे हायर क्वालिटी पसंद है, राइट? तो ये होता है अपसेलिंग, मतलब आप अपने क्लाइंट को एक हायर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वही क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि दो नॉन कॉम्पिटिंग ब्रांड्स क्लाइंट तक पहुंचाना एंड उसका परचेस करवाना। इसका मतलब है आपने मेरे से बात किया, आपने जाना कि मुझे कॉफी मग्स के साथ साथ ना मुझे कॉफी पीने का भी थोड़ा सा शौक है, तो आपने क्या क्या बोला कि सर हमारे शॉप पे एक ऐसा ब्रांड है कॉफी का जो भारत के एक पर्टिकुलर लोकेशन से आता है जो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि हाँ सर मुझे तो टेस्ट करना है उसे, या हाँ मैम मुझे टेस्ट करना है उसे, प्लीज मुझे दीजिए। तो मैं आपसे दोनों चीजें परचेस कर लूंगा, कॉफी मग भी परचेस कर लूंगा एंड उस कॉफी का जो ब्रांड है वो भी मैं आपसे परचेस कर लूंगा। ये होता है क्रॉस सेलिंग। तो फ्रीलांसिंग में ना एक्चुअली आपको क्रॉस सेलिंग पे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मली आप आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, लाइक बेसिक स्टैंडर्ड आर्टिकल्स लिखते हैं आप वेबसाइट्स के लिए, या ब्लॉग्स लिखते हैं, टेक्निकल राइटिंग करते हैं, कॉपी राइटिंग करते हैं, घोस्ट राइटिंग करते हैं, लीगल राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, फाइनेंशियल राइटिंग करते हैं एंड कंसल्टेंसी राइटिंग करते हैं, बहुत तरीके के राइटिंग्स होते हैं हम जानते हैं। लेकिन सिर्फ वहां तक कि हमको सीमित नहीं रहना है, जहां पर कुछ एंटरप्रेन्योर्स इनिशियल डेज में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं कि वो अपने ग्रोथ को हिंडर कर देते हैं, रोक देते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं उनको बताइए कि सर या मैम हमारे पास SEO सर्विसेज भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी है, उसमें उनको गिनाइए कि आप SEO में क्या क्या करके दे सकते हैं। आप H1, H2, H3 सारे टैग्स को मेंटेन करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन को मेंटेन कर देंगे, कीवर्ड डेंसिटी अच्छे प्रॉपर रहे ना ज्यादा रहे ना कम रहे उस पर आप ध्यान रखेंगे, राइट? आप क्या करेंगे, प्रॉपर टेक्स्ट रहे उसमें, इन्फोग्राफिक्स रहे एंड SEO उसका अच्छे से रहे, हर चीज़ आप उनको टेक्निकलिटीज के साथ बताएंगे, तो डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे कि हाँ भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आप हमको अच्छा आर्टिकल लिख कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये समझ दीजिए हम किसी के नए के पास क्यों जाए। एंड ये अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इनिशियल डेज में मिस कर देते हैं। जी हाँ दोस्त, मैं फ्रीलांसर्स को एंटरप्रेन्योर ही बोलता हूँ क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पे जाने का सबसे इनिशियल स्टेपिंग स्टोन फ्रीलांसिंग हो सकता है जो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं इंक्लूडिंग आवर टीम, राइट? तो ये तरीका है, आप इस पर डेफिनेटली काम कर सकते हैं क्योंकि हमने तो काम किया है और हमको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इस पर मिले हैं, एंड हम वही सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं जिस पर हमने एक्चुअली में काम करके नॉलेज को गैदर किया है। अदरवाइज एवरीथिंग इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ पीस ऑफ डेटा, नथिंग एल्स। जिस डेटा या फिर इंफॉर्मेशन पर आपने काम कर लिया वो बन जाता है आपका नॉलेज, बिकॉज नॉलेज आपको पता है कि उस इंफॉर्मेशन या उस डेटा को कहाँ पर यूज करना है। ये डेफिनेशन दोस्त नॉलेज की मेरे खास मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताई है, ये मेरा खुद का ओरिजिनल नहीं है। कभी मौका मिला तो मैं उनसे आपसे बात डेफिनेटली कराऊंगा, राइट? अगर उनको कभी समय मिला वो हमारे साथ अगर आके बैठे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बाकी तो मिलता हूँ मैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर दोस्त मेरी कोशिश है कि भारत देश का एक ऐसा यूट्यूब चैनल हम बनाएं जहाँ पर हम लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके। हमारे चैनल पर एंटरप्रेन्योरशिप पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, साइंस टेक्नोलॉजी सब पर वीडियोस अपलोडेड हैं। अभी ये सीरीज चल रही है फ्रीलांसिंग पे और मैं कोशिश करूंगा जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है सब कुछ इस चैनल पर मैं लेकर आ जाऊँ ताकि आपको किसी के सामने भी झुकना ना पड़े बल्कि आप सामने लोगों की हेल्प कर सके, दीन दुखी लोगों की सेवा कर सके। बाकी तो मिलता हूँ मैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।